स्थान पर बैठ जाइए। आप लोग कितने जन यहाँ पे गुजराती है? हाँ तो गाइए। आपको एक बार पता है कि जहां पे एक गुजराती होता है वहां पे दस की आवाज निकलते है ना। अब शादी में गौरवान्वित है। इसके बाद में आगे बरस तू तो आगे का बरस नहीं, वो हर दिन तुम्हारे साथ जल्दी आकर के यह कार्य मैं चाहता हूँ। 9 अक्टूबर आज मैंने बोला है दिग्ने सेनानी जी को, जहाँ वो गरबा कराते हैं 9 अक्टूबर शरद पूर्णिमा है, वहां पर शरद पूर्णिमा के गरबा के साथ हम लोग चाहते हैं उस समय भक्त। सर आज कार्यक्रम रखा गया है, क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? यही संदेश है कि लोग एक रहें, भाईचारे की भावना रखें। आज भारत देश में जैन समाज क्षमा वाणी का महापर्व मनाती है, मिच्छामी दुक्कड़म करती है, जो भक्तामर और अडमोकार के साथ आज सबको जोड़ा जा रहा है। इसमें एक ही संदेश दिया जा रहा है, ना हम अपने को हिंदू कहें, ना मुस्लिम कहें, ना सिख कहें, ना ईसाई कहें, ना जैन कहें, यही कहें हम भारत माता की संतान हैं, भारत माता के भक्त हैं। भारत माता के भक्त बनकर काम नहीं करेंगे तब तक भारत का वक्त नहीं बदल पाएगा। तो भारत के वक्त को बदलने के लिए हमें सबसे पहले भारत का भक्त बनना पड़ेगा। इसी भावना के साथ यहाँ पर भक्त अमर का यह अभियान और अनुष्ठान चल रहा है। काफी नेता आए थे सम्मान कर रहे हैं और इस प्रोग्राम में नेता भी आए थे, कई नेताओं का सम्मान किया गया, भक्त अमर का मान किया। आपने क्या है यही मैंने उनको संदेश दिया है कि जीवन में हम लोग यदि हम धर्म के साथ चलते हैं तो राजनीति अपने आप धार्मिक हो जाती है, लेकिन राजनीति के साथ धर्म नहीं होना चाहिए। राजनीति के साथ धर्म होता है
तो हमारा धर्म बदनाम होता है। लेकिन जो धर्म के साथ जुड़ करके अपन समर्पण करते हैं तो यह संत चाणक्य बनकर के आपके मार्गों को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी भावना के साथ हमने इनको चंद्रगुप्त मान करके आगे बढ़ने का आशीर्वाद प्रदान किया है। थैंक यू। कुमार चटर्जी स्पिरिचुअल सिंगर है और पूरे वर्ल्ड में उनके प्रोग्राम चलते हैं नमोकार और भक्तामर के ऊपर। नमोकार मंत्र के ऊपर वो वर्ल्ड में लोगों को हेल्थ वाइज अच्छे करते हैं। उनको देखना एक बहुत बड़ा मतलब अचीवमेंट है। इसमें मुझे गेवारे साहब ने, जिग्नेश भाई ने, डॉक्टर साहब ने, सभी ने, डॉक्टर अजीत जैन ने, सब ने बहुत अच्छा साथ और सहकार दिया है, तब जाके ये प्रोग्राम मैं कर पाया हूँ। इसके अलावा मेरे काफ़ी दोस्त हैं जिन्होंने मुझे ये साथ और सहकार दिया है, मैं उसका उपकारी रहूँगा। ये प्रोग्राम में तीनों आचार्य गुरु भगवंत विराजमान रहेंगे। आचार्य वसुनंद जी महाराज, आचार्य प्रणाम सागर महाराज और आचार्य गिरनार सागर महाराज, उनके साथ भी उनका पूरा संघ विराजमान रहेगा। जैसे कि कुरान है, बाइबल है, रामायण है, लेकिन जैनों का एक प्रॉपर ग्रंथ नहीं है, तो जैनों के ग्रंथ को भक्तामर के ग्रंथ के रूप में मैं अचीव करने के लिए ये प्रोग्राम हमने रखा गया है। और 9 अक्टूबर को हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आए ऐसा 10,000 से 15,000 लोगों का एक प्रोग्राम प्रणाम सागर महाराज जी के सानिध्य में रखेंगे और 48,000 मीटर कपड़े में उसको ध्वजारोहण करेंगे। ये प्रोग्राम इसके लिए लिखा गया है और वो अनाउंस आज यहाँ हो जाएगा। आप सबने, हमें प्रेस वालों ने भी जो साथ और सहकार दिया है, मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। तमर यात्रा यानी हम लोग में, हमारे जैन समाज में और मैं तो बोलूँ हिंदू समाज में और सभी समाज में ये ग्रंथ का इतना पावर है, जो मैंने शायद इसके पहले भी हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बताया था कि जो व्यक्ति समझो कुछ भी बीमार होए या कुछ भी, तो हमारे ग्रंथ में एक एक गाथा में ऐसी ऐसी चीज़ है, अगर वो गाथा बोल जावे या समझ जावे तो मुझे नहीं लगता उनको हॉस्पिटल में या डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूर पड़े। ये भक्तांबर का इतना बड़ा पावर है जो आज लोगों को दिखेगा, समझेगा और गुरुदेव और कुमार चटर्जी के उसमें ये सानिध्य में ये देखा जाएगा। और भरत भाई को हम लोग स्पेशली थैंक्स कहेंगे कि इतना बड़ा सामूहिक सबको इकट्ठा करना, सब चारे फिरकों को इकट्ठा करके भक्तांबर का क्या महत्व है वो आज मुझे लगता है पूरे विश्व में ये पता चलेगा कि व्हाट इज़ आवर भक्तांबर, जिसको पता नहीं है। आज के यंगस्टर्स को कुछ पता नहीं है, खाली बस हम जैन हैं, हम नौकार मंत्र हमें बोलना है, मगर उसमें भक्तांबर क्या है, हमारे आगम क्या है, वो शायद आज के युवा पीढ़ी को पता चलेगा। और वो संदेश के लिए आज हम लोग ने सबको इकट्ठा किया है और हमारे काफ़ी आचार्य जी यहाँ पे होंगे और उनका भी आशीर्वाद हमें मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप प्रेस वाले को स्पेशली धन्यवाद इसके लिए कहेंगे कि इतने अच्छे प्रोग्राम के लिए आप सब आए, इकट्ठा हुए और अच्छा संदेश दोगे लोगों को, इसके लिए खूब खूब धन्यवाद प्रेस वाले, हमारे भाइयों और बहनों को।